की अपनी कार्रवाई हो गई है, बस थोड़ा सा रह गया है। फिलहाल प्रभु वहाँ पे विश्राम करेंगे, उसके बाद मंदिर में जाएंगे अपने। इवनिंग का समय हो चुका है, जैसे कि आपने सुबह देखा हम यहाँ पे प्रभु का थोड़ा सा देवली थी और उसके बाद अब भोरू पड़ रहे हैं। भोरू के बारे में आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा भी होगा, जैसे कि आज हम यहाँ हुनला में गेस्ट बन के आए हैं, तो जितने भी हमारे बयानी से देवड़ू है उनको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं पर पर्सन, मतलब सभी के घरों में जितने भी हमारी, जैसे हम 60 के करीब हैं तो उस हिसाब से हमें डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे भोरू पड़ रहे हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग बैठे हुए हैं जो मुख्य हैं गांव के, तो वो पहले यहाँ हमारे से खींड मांगेंगे। तो खींड के रूप में हमें एक निशान देना पड़ता है, साइन भाई हम कितने लोग हैं, और उसको बाद में उठाने के बाद फिर कहेंगे किसका है, तो फिर उसको यहाँ पे स्थानीय लोगों को किसी को सौंपा जाएगा जिसके घर हम जाएंगे। तो ये रिवाज हमारे बरसों से बनाया जा रहा है, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे संस्कृति हमारी, और यहाँ पे वेट कर किया जा रहा है कि इनका जो निशान है कब जैसे आएगा। और इवनिंग का समय है, ये मंदिर भी काफी खूबसूरत, थोड़ा सा चल के आपको जरूर दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। ये देखिए यहाँ से खूबसूरत मंदिर, और यहाँ पे भोरू पड़ रहे हैं और सभी अपना अपना वेट कर रहे हैं। और व्यू थोड़ा सा हम दिखाते हैं क्योंकि अभी भोरू पड़ेंगे, फिर हमें जाना पड़ेगा, तो हो सकता हम यहाँ ना पहुंचे, कितना दूर जाएंगे। और लाइटिंग आप इस जबरदस्त और काफी मजा आ रहा है देखने का मंदिर का, थोड़ा तो नजदीक लेके भी जाएंगे हम आपको। ये तेरा
काफी बढ़िया। और यहाँ पे चले हुए है, खींड पड़ रही है, खींड माय गॉड। कहाँ पड़े आप गोरू? कहाँ? बिल्कुल तीन बंदे आए एक शेरी में। शेरी में थैंक यू सो मच। आप ओरेज का मतलब इधर आओ, ये हमारी पहाड़ी लैंग्वेज है। मंदिर बहुत शानदार, लाइटिंग काफी जबरदस्त। और अभी भी भोरू ही पढ़ रहे हैं जो हमारी प्रथा है यहाँ की। काफी टाइम लगेगा क्योंकि एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। और प्रभु यहाँ पे विराजमान है, थोड़ी देर में प्रस्थान करेंगे न्यू मंदिर में जिसका आज सेरेमनी थी, प्रतिष्ठा कहते हैं हम यहाँ पे हिमाचल में। काफी खुशी से उन्हें पहुँच गए, आखिरकार सुंदर जी भी पहुँच चुके हैं। क्या भोरू अभी भी पढ़ ही रहे हैं, मुझे मिले थे फर्स्ट में और हमारी मुलाकात हुई थी फर्स्ट में, फर्स्ट टाइम जहाँ पे घूमने गए। और थोड़ी देर में प्रभु प्रवेश करेंगे और प्रभु का छोटा सा कार्य है उसको संपन्न करने के बाद प्रभु गृह प्रवेश करेंगे अपने न्यू मंदिर में। और ये देखिए जिसकी प्रतिष्ठा थी उसकी शुद्धि कर दी आपने, मतलब प्रभु ने जी। और लाइटिंग जबरदस्त है क्योंकि खुशी की बात है। और कल यहाँ पे काफी देवल को इनवाइट किया गया है और सभी देवी देवताओं को जितना भी किया है यहाँ से सभी आएंगे कल। हम लोग में जरूर बताएंगे आपको, फिलहाल तो हम अभी प्रभु के साथ यहाँ पे है। खींचेंगे अभी प्रभु का, हम थोड़ा सा क्लिप लेते हैं। इवनिंग के समय में प्रभु काफी स्मार्ट लग रहे हैं हमारे, डैशिंग या ये देवड़ू हमारे हाय वाय करो गुड इवनिंग। ए तू हेल्प, हाँ हो हेलो 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 गोलू क्या बात है, आयुष्मान आयुष्मान। और हमेशा की तरह हुरला में प्रभु के साथ आते हैं मनोज ठाकुर और रमेश भाई जी, पवन भाई जी और हमारे यहाँ पे अजय जी, सभी गैंग। और हल्का सब लोग मिलाने की कोशिश करेंगे, हमारे खूबसूरत देवलू हैं। और प्रभु का मिलन खूबसूरत, जब भी नया मंदिर या नया घर बनता है सूत्र बांधा जाता है। दूसरा दिन है और हम प्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंच गए मंदिर में।
और इस तरह से यहाँ पे डिजाइनिंग की गई। देखिए शीश दे दो, गुल शीश दे। और आज का दिन बहुत ही खास, आज प्रभु का भोज है तो इनविटेशन सभी को किया गया है। तो सबसे पहले बियानी धार से आए, निचली बियानी से। तो ये हमारे दीदी जी है, ये यहाँ पे भाई जी भाभी जी वगैरह यहाँ पे है। तो उसमें आए, कैसा लग रहा है आपको मंदिर यहाँ पे? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा ना, सुकून मिल रहा है। कितना टाइम हुआ आपको आके अभी? बस 5 मिनट हुआ अभी। 5 मिनट हुआ, आपने फोन भी नहीं किया हमें? देवते के दर्शन किए फिर अभी आपको। और बहुत ही अच्छा मंदिर है, और अभी तो सजावट हो रही है, तो दिन में तो काफी लोग आएंगे। वंशु कैसे लग रहा है बेटा? ठीक लग रहा है, ये तो गोलू गोलू मोलू बन के आया है तू। अच्छा बोलो बेटे, काफी अच्छा मंदिर है। और आज दूसरा दिन है, इस खुशी में हमारे इलाका स्नोर का महिला मंडल यहाँ पे भजन कीर्तन की प्रस्तुति दे रहे हैं अपने बिहारी धाल से। देख सकते हैं आप, बहुत खुशी की बात है। और आज प्रभु की यहाँ पे प्रतिष्ठा के उत्सव पे यहाँ पे भक्ति में लीन सभी। हेलो आए गए आज दूसरा दिन है, और आज जितना भी इनविटेशन हुआ है सभी आएंगे यहाँ प्रभु के पास। और हमारे बाबीराज जी के कमेटीदार यहाँ पे नाच और जितने भी इनविटेशन है सभी लोग यहाँ पे टर्न बाय टर्न प्रभु के दर्शन करने के लिए प्रभु के पास जा रहे हैं। और आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा, काफी लोग आएंगे प्रभु के पास। और अब दूसरे नंबर सिरी क्लब की महिलाएं प्रस्तुति दे रहे हैं। और हमारे भाभी जी ढोलक से अच्छी प्रस्तुति यहाँ पे। और वहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है, जितने भी हमारे गेस्ट कमेटीदार यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके साथ स्थानीय कमेटी फोटोग्राफ फोटो ले रहे हैं, याद बटोर रहे हैं। अब हमारी गैंग जा रही है खाना खाने के लिए। विराश राजा सो गए हैं तो मैंने विराश को उठाया हुआ है। अभी हम प्रभु का भोज खाने जा रहे हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी ही देर में वापिस। ये वांश राजा देखो कितना, ये हमारे दीदी और भाभी। हेलो आए थे ना, आप कहाँ आए? बल्ला की सर बाबा से दाम खाने जा रहे थे, मीट नहीं बोलते तो बा। यहाँ पे हमारे मेस है, ये हमारा लंच, काफी शाही तरीके से हमारा यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। पांच खालू को बोला